गंगे जय गंगे मैया, जय प्रयागराज जय प्रयागराज, जय गंगे जय गंगे मैया, जय प्रयागराज जय प्रयागराज। पुण्य भूमि यह भरद्वाज की, तपोभूमि ऋषि भरद्वाज की, पुण्य भूमि यह भरद्वाज की, तपोभूमि ऋषि भरद्वाज की। जय गंगे मैया, जय प्रयागराज जय प्रयागराज, जय गंगे मैया, जय प्रयागराज जय प्रयागराज। पहले कुलपति से धरती के आयुर्वेद के पहले ज्ञाता, विमान शास्त्र के प्रथम रचयिता, पहले भारत भाग्य विधाता। है सगोत्र सब ऋषि राज की, पुण्य भूमि ऋषि भरद्वाज की, है सगोत्र सब ऋषि राज की, तपो भूमि ऋषि भरद्वाज की। जय गंगे मैया, जय प्रयागराज जय प्रयागराज, जय गंगे मैया, जय प्रयागराज जय प्रयागराज। शिष्य सहस्त्रों करते अध्ययन, ज्ञान जहाँ पाए रघुनंदन। गुरुकुल में सबका अभिनंदन, याज्ञवल्क्य करते ये चिंतन। महिमा अमित प्रयागराज की, पुण्य भूमि यह भरद्वाज की, महिमा अमित प्रयागराज की, तपो भूमि ऋषि भरद्वाज की। जय गंगे मैया, जय प्रयागराज जय प्रयागराज, जय गंगे मैया, जय प्रयागराज जय प्रयागराज। ज्ञान की गंगा प्रेम की यमुना, करती यहाँ है मेल ये अपना। अगणित शास्त्रार्थों की कहानी, देता अक्षय वटी ये निशानी। जय बोले जग तीर्थ राज की, पुण्य भूमि यह भरद्वाज की, जय बोले जग तीर्थ राज की, तपो भूमि ऋषि भरद्वाज की। जय गंगे मैया, जय प्रयागराज जय प्रयागराज, जय गंगे मैया, जय प्रयागराज जय प्रयागराज। याज्ञवल्क्य से भरद्वाज ने राम कथा सुन जग को सुनाया। प्रयागराज संगम की महिमा, देवों और ऋषियों ने है गाया। पुण्य भूमि यह भरद्वाज की, तपो भूमि ऋषि भरद्वाज की, पुण्य भूमि यह भरद्वाज की, तपो भूमि ऋषि भरद्वाज की। जय गंगे मैया,
श्री भरद्वाज की जयंती माघ पंचमी में भारत भाग के विधाता द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने पुष्प अर्पण किया। इस अवसर पर वैदिक मंत्रों के उच्चारण और स्वस्थ वाचन से भगवान महर्षि भरद्वाज की पूजा की गई। इसके बाद संगम तक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने शोभा यात्रा के ऊपर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर संस्कृत विद्यालय के छात्रों ने संख ध्वनि से वातावरण जयमान किया। मंडला आयुक्त संजय गोयल ने कहा कि महर्षि भरद्वाज प्रयागराज की विरासत है, उनका मान रखना चाहिए। वहीं आईजी ने कहा कि ऐसे महापुरुषों से युवकों को प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके स्मृति में यहाँ उनकी मूर्ति स्थापित है। यहाँ से आज भरद्वाज जी की स्मृति में यात्रा प्रारंभ होकर के संगम तक जाएगी। वहाँ गंगा जी का पूजन करके आरती करके फिर यात्रा को विश्राम दिया जाएगा। जी आज एक महर्षि भरद्वाज पर शोभा यात्रा शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए पावन संगम तट पर समाप्त हुई है और यहाँ पर त्रिवेणी जी की आरती का आयोजन हुआ। और आज इस अवसर पर जब महर्षि भरद्वाज जी को संस्था से जुड़े और शहर के विभिन्न स्थानों से जब होकर ये शोभा यात्रा निकली, ऋषि को प्रणाम भरद्वाज।